पौड़ी में घारकोट पहुंचा शहीद विपिन सिंह गुसाई का पार्थिव शरीर। सीएम ने दी शहीद को श्रद्धांजलि। अंतिम दर्शनों को सैकड़ों संख्या में पहुंचे लोग। बदना धाम में चर्चा का विषय बना आप पार्टी का रोजगार गारंटी कार्ड। कार्ड बांटने पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव को लेकर पैच बनाने की कोशिश जारी। रुड़की में मंगलौर के लिबरहेड़ी पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने को लेकर दिया धरना। कहा किसानों का शोषण कर रही राज्य सरकार। ऋषिकेश में दिखा तेज रफ्तार का कहर। वाहन से टकराया तेंदुआ। टक्कर से ड्राइवर तेंदुआ दोनों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। नैनीताल में 65वां दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हो गया है। आज मां नैना देवी मंदिर में बंगाली समुदाय के पंडित तपन चटर्जी की तरफ से पूजा अर्चना कर देशवासियों की खुशहाली के लिए मां दुर्गा मैया से प्रार्थना की गई। इसी के साथ ही भक्त भी मां के दर्शन करने आए। इसके साथ मंदिर परिसर में कोविड गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा गया। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस का खासा ख्याल मंदिरों में रखा जा रहा है। आज विशेष पूजा मां दुर्गा की गई है। पूजा अर्चना यहाँ पर बंगाल से आए कुछ पुरोहितों ने, कुछ पंडितों ने की है। हरिद्वार और देहरादून राजमार्ग पर स्थित रायवाला के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां चारमोरी पुलिया से पहले एक तेज रफ्तार ऑटो की तेंदुए से टक्कर हो गई। सूत्रों की माने तो ऑटो ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर जा रहा था। रायवाला पार करने के बाद राजजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज से गुजर रहा था। उसी दौरान चारमोरी पुलिया से पहले एक तेंदुआ राजमार्ग के बीचों बीच आ गया। गुलदार को बचाने के चक्कर में ऑटो की उससे जोरदार टक्कर हो गई। तेज रफ्तार के चलते ऑटो मौके पर ही पलट गया। सूत्रों की माने तो ऑटो में 3 लोग सवार थे। उस घटना में ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं टक्कर के बाद तेंदुए की भी दर्दनाक मौत हो गई। पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलौर के लिबरहेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने को लेकर उत्तम शुगर मिल पर सांकेतिक धरना दिया। करीब आधे घंटे तक धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों का शोषण कर रही है। उन्होंने मांग की है कि राज्य में जल्द ही सरकार गन्ना मूल्य घोषित करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गन्ना मूल्य घोषित को लेकर गंभीर नहीं है। राज्य सरकार को जगाने के लिए शुगर मिल पर सांकेतिक धरना दिया गया। पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में गन्ने के दाम घोषित किए जाने चाहिए। इस धरने के दौरान विधायक गाजी निजामुद्दीन और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। तो रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत यहां धरना देते हुए नजर आए। गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने को लेकर नाराज नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ लगातार नाइंसाफी राज्य सरकार कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। लगातार किसानों के लिए वो आवाज उठाते रहेंगे। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार किसानों की नाक नीची करनी चाहते, उनको किसान जो है अपना गमछा बांधा हुआ हो या पगड़ी बांधा हुआ हो उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको केवल फैक्ट्री के मालिक अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति अच्छे लगते हैं। यदि किसान अच्छे लगते हैं तो किसान कह रहा है हमको ये कानून नहीं चाहिए, और आप ज़बरदस्ती उसके गले में डाल लो, कह रहे हो नहीं नहीं ये तेरे लिए बना रहा हूँ, तेरे लिए बना रहा हूँ, तेरी भलाई के लिए। और किसानों ने 600 किसान जान दे चुके हैं दिल्ली में, 600 से ज़्यादा हो गई, 600 ज़्यादा। और वहाँ जब नहीं कुचले जा सके किसान तो लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ कुचल दिया। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लिया कोई आए और रोंदते हुए चला जाए तो क्या करेंगे भाई, किसको मालूम था। तो लखीमपुर खीरी एक ऐसा उदाहरण है जिसके जरिए इन्होंने एक संदेश दिया है किसानों को कि मानो, उठो, लड़ना छोड़ो, और यदि फिर भी लड़ोगे तो वे ऐसा कर देंगे, लखीमपुर के लिए ऐसा कर देंगे। ये किसी सवाल है, सारे किसानों को एक खराब संदेश जराने के लिए दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में आप पार्टी का रोजगार गारंटी कार्ड के नोपी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है।
अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ पहुंचकर तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों तक अपने 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की पेट मजबूत करने के लिए रोजगार गारंटी कार्ड बांटने पहुंचे हैं। यहां आप कार्यकर्ताओं की तरफ से लाउडस्पीकर के जरिए पार्टी के घोषणा पत्र के तहत आम आदमी को रोजगार देने और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर दिन परिवार के एक व्यक्ति को 5,000 रुपये का भत्ता अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया जा रहा है, जिसकी घोषणाएं लगातार उत्तराखंड में देखने के लिए मिल रही हैं। पौड़ी के विकासखंड पाबो के ग्राम घारकोट निवासी शहीद विपिन सिंह गुसाई का पार्थिव शरीर आज उनके गांव घारकोट पहुंचा, जहां शहीद के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके गांव घारकोट पहुंचे। इस दौरान सारे विधायक धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्थानीय विधायक धन सिंह रावत, मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सिपाही विपिन सिंह गुसाई के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, घारकोट पहुंचा शहीद विपिन सिंह गुसाई का पार्थिव शरीर। यहां पर अंतिम दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। उनको हम नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। उन्होंने हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपना प्राणों का बलिदान किया। वो हमेशा हमारी स्मृति में रहेंगे। आने वाले हमारे सभी जो नौनिहाल हैं, नई पीढ़ी हैं, उनकी भी स्मृति में ही बने रहें। इसलिए जो हमारा यहाँ का इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज का नाम अब शहीद विपिन सिंह गुसाई के नाम से होगा। और साथ ही जो इस घारकोट को जोड़ने वाली जो सड़क है इस गांव पर, उस गांव का आने वाली सड़क का नाम शहीद विपिन सिंह गुसाई के नाम से होगा। और समय समय पर हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं ऐसी दुख की घड़ी में, क्योंकि वो केवल एक परिवार का बेटा नहीं है, एक गाँव का बेटा नहीं है, एक माँ का बेटा नहीं है, पूरे देश का बेटा है। आज शहीद विपिन कौशल धामी जी ने हम यहाँ पर आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के विधायक मेरे साथ में आए हैं, और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और आज मैं आभार करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने उस शहीद के नाम पर इंटर कॉलेज का नाम और सड़क का नाम रखने की घोषणा की। देखिए, हम किसी के परिवार का जो शहीद हुआ उसे लौटा कर नहीं रह सकते, लेकिन उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना, उसको सम्मान देना हर देशवासी का कर्तव्य है। और हमने आज उनके सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल की का नाम, इंटर कॉलेज का नाम और सड़क का नाम रखा है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। विपिन सिंह का पिताजी हूँ, उसका बड़ा भाई वो भी फौज में है, और वो उसकी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मैं फौज में भर्ती हूँ। 4 बार वो छाती में बाहर निकल गया था, लास्ट में मतलब 5वीं बार निकला वो। उसके बाद वो फौज में तमन्ना थी उसके जाने की। उसके बाद वो 3 साल उसने सेंटरमेंट रंगरोटी की। उसके बाद मेरठ यूनिट पोस्टिंग हुआ, वहाँ से लेल सीधा चला गया और वॉलेंटियर ग्लेशियर में जाने के लिए सबसे पहले बोला मैं जाऊँगा। सबसे पहले वॉलेंटियर हो गया वो। अच्छा, जाने के लिए ग्लेशियर में। तो क्या 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 सोचा था आपने विपिन गुसाई के लिए? मैंने उसके लिए अभी 25 साल में शादी के लिए सोच रहा था, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढूंगा, शादी करूंगा 25 साल के बाद। तो वो भी सपने हमारे ऐसे रह गए। जैसे तो देश के लिए मतलब शहीद हो गया, उसको उतने ही हमारे लिए। सितारगंज सूबे में बीजेपी सरकार के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर सितारगंज विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में मिठाई बांटकर जश्न मनाया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर सूबे में बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। यहाँ सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हसनैन मलिक के नेतृत्व में कार्यकर्ता सितारगंज मुख्य चौक पर इकट्ठा हुए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ नगर में मिठाइयां बांटकर चौराहे पर जश्न मनाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सितारगंज की, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ नगर में मिठाइयां बांटी हैं। दरअसल यशपाल आर्य और उनके बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी की मजबूती के तौर पर इसे देखा जा रहा है, और इसी को जाहिर करने के लिए और उसकी खुशी जाहिर करने के लिए
यहां कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आए, साथ ही साथ एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए भी नजर आए हैं। कैबिनेट मंत्री और हमारे बड़े भाई हर्षपाल आर्य जी और उनके बेटे नैनीताल के विधायक संदीप आर्या जी, दोनों की कांग्रेस पार्टी में जो कल जुआनी हुई है, आज उससे बड़ी खुशी है। इस विधानसभा में, सितारगंज विधानसभा में इसलिए खुशी है, वो यहाँ से कई बार विधायक रहे और यहाँ की दिल की धड़कन रहे, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ 22 में हरीश रावत जी की मेहनत से उत्तराखंड के अंदर और हमारे बड़े भाई हर्षपाल आर्य जी ये एक ऐसी मेहनत करेंगे, 22 में पूरी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और 60 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार करेगी, ये मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ। सितारगंज में पंजीकृत थोक व्यापारी और अताड़ियों के धान की खरीद बंद कर दिए जाने के बाद उपजे विवाद के भी विधायक सौरभ बौगुणा की मौजूदगी में हुई बैठक में तय किया गया कि रोजाना किसानों को 85 ट्रॉली धान तोल दिया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किए गए मार्कों के अतिरिक्त कटौती नहीं की जाएगी। इस पर किसान और आढ़ती सहमत हो गए। आपको बता दें कि किसानों ने धान में 20% तक की कटौती किए जाने और पेमेंट समय पर ना देने का आरोप लगाते हुए अमरिया चौराहे पर जाम लगा दिया। बाद में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। एसडीएम से बातचीत में तय हुआ कि किसानों का धान मानक के अनुसार तोला जाएगा। इसके बाद जाम खोल दिया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आढ़तियों और राइस मिलर्स ने धान की खरीद नहीं की थी। बाद में विधायक सौरभ बहुगुणा ने दोनों पक्षों के साथ लंबी बातचीत की, इसके बाद भी हल नहीं निकला, जिसके बाद आज विधायक की मौजूदगी में दोनों पक्षों की बैठक हुई है, जिसमें सहमति बनी कि रोजाना 85 ट्रॉलियां तोली जाएंगी। कल जो है सितारगंज मंडी में धान तोल नहीं हो पाई, इसी कारणवश वो हमारे कच्चे आढ़तियों और किसानों के बीच में कोई विवाद रहा। कल भी मैं मंडी में 2-2.5 घंटा बैठा, मैंने कोशिश करी कि समन्वय बन जाए, समन्वय नहीं बन पाया। तो सुबह से हमने सारे जिले के अधिकारी, हमारे RFC महोदय हैं, हमारे मंडी सचिव हैं, हमारे SMI सब, मेरे आवास पर सुबह 8 बजे से मीटिंग हुई, सारे मिलर्स को समझाया गया, बुलाया गया, और आज हमने मंडी में एक समन्वय बैठक बैठाई है, जिसमें कि एक राजमंदी हुई है कि जो हर दिन जो है 10 बजे तक किसी भी हालत में जो कच्चे आढ़ती हैं वो यहाँ पर आके धान तोलना शुरू करेंगे, और 85 ट्रॉली पर दिन की यहाँ से मंडी से उठाई जाएगी। जो कटौती मानकों में DM महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक में मानकों में तय किए गए थे, उसके ऊपर कोई भी कटौती नहीं होगी, और अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो या तो मंडी की लैब वरना SMI की लैब जो फाइनल फैसला देगी वो दोनों पक्षों पर मान। आज जो ट्रालियां खड़ी हैं लगभग कई दिनों से ट्राली 300 के करीब ट्रालियां इस टाइम मंडी में हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, मैंने अभी आश्वासन यही दिया है कि आज जितनी मंडी में ट्रालियां खड़ी हैं 85 ट्रॉली हमारे कच्चे आढ़ती ले जाएंगे, उसके ऊपर जितनी भी बची होगी उसको सरकार की व्यवस्था के अंदर सारी ट्रॉलियों को आज मिलों को अलॉट करेंगे। मिलर साहब, किसानों के बीच थोड़ा आपसी कुछ विवाद था, जो हमारी जो धान क्रय किया जा रहा है, तो यह विवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है क्या तक पहुँचा, उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि इसका हर हाल में आज पटाक्षेप किया जाए। माननीय विधायक जी भी आए थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग किसानों की और हमारे मिलर्स की गई है, उनके अध्यक्ष भी आए थे मिस्टर सचिन गोयल, और SDM साहब भी यहाँ थे। आपसी समझौता हो गया है, टॉल पुनः प्रारंभ की जा रही है। क्या उसमें निर्णय निकला? निर्णय वही जो पहले से तय था, जो उनकी ट्रॉलियाँ जो पहले 70 आ रही थी, अब 85 ट्रॉलियाँ पर डे खरीद की जाएगी। RFC साहब, एक थोड़ा राइस मिल चेक करने का अधिकार है। अच्छा, तीसरा एक और, ये आप मेरी पहली बार मेरे संज्ञान में लाए, अगर ऐसा कुछ है तो राइस मिलर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी कि वो माल क्यों नहीं उतार रहा है। राइस मिलर द्वारा कल SDM से और SMI के साथ जो व्यवहार किया गया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें अगर SDM के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो उनके द्वारा यदि कोई शिकायत की जाएगी
उस राइस मिलर के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। माननीय राज्य विधेयक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार पेन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज सचिव जिला विधेयक सेवा प्राधिकरण दुर्गा शर्मा की तरफ से बाल संप्रेषण गृह डूडा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव की तरफ से संप्रेषण गृह में साफ सफाई के लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देश भी दिए गए। इस दौरान राज्य विधेयक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पेन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम के तहत संप्रेक्षण गृह में उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों और किशोरों के साथ जागरूकता कार्यक्रम किया जाए। किशोरों के अधिकारों के बारे में जानकारी दिए जाने के साथ ही किशोर को विधिक सहायता के बारे में भी बताया गया है। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्या और उनके विधायक बेटे संजीव आर्या के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर आज दूसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद दुर्गापाल के आवास पर बैठक आयोजित कर मिठाइयां बांटी। बता दें कि बीजेपी सरकार में बाजपुर से विधायक यशपाल आर्या और उनके विधायक बेटे संजीव आर्या सोमवार को नई दिल्ली में पार्टी आलाकमान के सामने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वहीं यशपाल आर्या और संजीव आर्या के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सूबे में कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। माननीय यशपाल आर्या जी एवं उनके पुत्र जो नैनीताल विधायक संजीव आर्य जी फिर घर वापसी आने पर पूरे कांग्रेस जनों में एक उत्साह और आज मिठाई हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी हरिचंद दुर्गापाल जी के निवास स्थान पर। देखिए उनका बहुत बड़ा कद है एक अनुसूचित जाति व्यक्ति में और जो कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाने का जो 40 साल की राजनीति में वो कई पदों में रहे, विधायक रहे, उत्तर प्रदेश में भी रहे और हमारे जब मुख्यमंत्री एन डी तिवारी रहे उसमें वो विधानसभा अध्यक्ष रहे, हरीश रावत जी जब हमारे मुख्यमंत्री रहे तो उसमें भी कैबिनेट मंत्री रहे, बहुत बड़ा स्थान है। निश्चय ही है अब वो जो जो कांग्रेस में आ गए हैं तो काफ़ी फर्क पड़ेगा पूरे उत्तराखंड में और बिल्कुल 2022 में कांग्रेस सरकार आनी है और मैं उनको आपके माध्यम से भी मैंने वैसी बधाई दी है। चारधाम यात्रा बस टर्मिनल ऋषिकेश में चारधाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कोविड जांच केंद्र शुरू हो गया। सैंपल लेने के लिए 24 घंटे बाद रिपोर्ट यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। सैंपलों की टेस्टिंग एम्स ऋषिकेश में की जाएगी। गढ़वाल आयुक्त रविंद्रनाथ रमन ने चारधाम तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क पंजीकरण और कोविड जांच केंद्र खोलने के आदेश दिए थे। देवस्थान बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश कौर ने बताया कि इसी कड़ी में ऋषिकेश में निःशुल्क RT-PCR कोविड जाँच केंद्र आज से शुरू हो गई है। तो ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, निःशुल्क पंजीकरण और कोविड जांच केंद्र खोलने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और इसके साथ ही लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन आज एक अच्छी पहल देखने के लिए मिली है। दरअसल कोरोना की जाँच भी हो रही है, ऐसे में कई केंद्र खोले गए हैं और सीधे इसकी रिपोर्ट जो है वो यात्रियों के मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। मथुरा के वृंदावन से आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू करते हुए अपनी सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी, जिसमें बड़ी संख्या में प्रसपा के नेता शामिल हुए। वहीं प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने साफ कहा है कि वो सभी विपक्ष की पार्टियों के साथ जुड़कर इस बार भाजपा की सरकार को उखाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो शिवपाल यादव भी पूरी तरह से चुनावी यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, तैयारियां पुरजोर प्रसपा की देखी जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम सभी जितने भी दल हैं, जितने भी विपक्षी हैं, वो सभी इकट्ठा होकर भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। यूपी के औरैया जिले में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बस अब भगवान भरोसे ही चल रही है। बता दें कि शिक्षा के मंदिर में विद्या पाने की आस में आए बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं। वहीं यहाँ अध्यापकों को
हाल ऐसा है कि कोई भी अध्यापक अपने समय पर नहीं पहुंचता। आगरा कैंट रेलवे संस्थान पर चल रही रामलीला अपने आप में बेमिसाल है। बता दें कि करीब 50 सालों से आगरा कैंट रेलवे संस्थान पर रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें स्थानीय कलाकार इसमें भाग लेते हैं। इसमें रेलवे कर्मचारी, रिटायर्ड रेलवे कर्मी, रेल कर्मचारियों के परिवार के लोग और आसपास के लोग रामलीला का मंचन करते हैं। और तो और, इस रामलीला में मुस्लिम समुदाय के लोग भी अभिनय करते हुए नजर आते हैं। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ की रामलीला बेमिसाल नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर करीब 50 सालों से रामलीला का मंचन हो रहा है और तमाम समुदाय के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। मैं यहाँ श्री राम के चरित्र का अभिनय कर रहा हूँ, तकरीबन 3 वर्षों से मैं लगातार यहाँ अभिनय कर रहा हूँ। अरे, कब से रोल कर रहे हैं रामलीला में आप? मैं सन 1995 से यहाँ रोल कर रहा हूँ और कई लीलाओं का यहाँ मंचन कर रहा हूँ, कई पात्र मैंने अभिनय किए हैं। कैसा लग रहा है राम का रोल करते समय? राम का रोल लग के बहुत ही अलौकिक लग रहा है यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है राम का रोल करके। इस बार रामलीला हो रही है तो कैसा मन को लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है राम का रोल करके यहाँ पर, और लीला हो रही है। उदास थे हम कि परमिशन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब परमिशन मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ रामलीला हो रही है। योगी जी ने परमिशन दी है तो किसके? धन्यवाद कहूँगा योगी जी को कि उन्होंने रामलीला जैसा परंपरा को बनाए रखा और इसमें सहयोग दिया लोगों का, ताकि वो रामलीला का मंचन कर पाएँ और राम के चरित्र को जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें। मैं सीता जी का रोल कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह रोल पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी का है, जो एक सर्वश्रेष्ठ नारी थी। अच्छा, कितनी तैयारी करी आप लोगों ने? मैंने तैयारी बहुत करी है। अच्छा, रामलीला में अभिनय करने का मौका मिला, कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी है, मुझे ये मेरा पहली साल है जो मुझे मौका मिला सीता जी का रोल करने का, ये सर्वश्रेष्ठ नारी का रोल करने का। पिछली बार रामलीला नहीं हो पाई थी, कितने दुखी थे आप लोग? हम दुखी थे, नहीं हो पाई थी बहुत, पर इस साल हुई, हमें बहुत खुशी है। ठीक, मैं सन 2005 से कर रहा हूँ। अच्छा, बट लक्ष्मण का रोल मैं 2019 से कर रहा था। कितनी खुशी होती है आप लोगों को? बहुत खुशी होती है। अच्छा सर, कितनी तैयारी करनी पड़ती है सर? बहुत तैयारी करनी पड़ती है हमें। अच्छा, पिछली बार नहीं रामलीला नहीं हो पाई थी? जी सर। अच्छा सर, हमारी रामलीला नहीं हो पाई थी कोरोना काल के चक्कर में। अच्छा जी, और इस बार? और इस बार सर हमें योगी जी से परमिशन मिल रही है तो हमारी रामलीला सम्पन्न हो रही है। हाँ, और बहुत हमें खुशी है कि हमें बहुत परमिशन मिल चुकी है हमें, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और जो हमारी राम की लीला हो रही है बहुत खुश है आप लोग? जी सर। पिछली बार कितने मायूस थे? बहुत मायूस थे, जो हमारा बहुत मायूसी का वो था, बट पर प्रभु की कृपा थी इस साल हमारी हो गई। और अब खबर गाजीपुर से, जहां ननहरा थाना क्षेत्र में एक सिरफरे आश्रित ने एक युवती को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि युवती ने युवक से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे गुस्साए युवक ने युवती की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी, मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आज शाम को 7:30 बजे के लगभग एक सूचना मिली थी चौकी पर, जो ननहरा थाने की चौकी है टहुआ मोड़, कि एक लड़का आया और उसने ये कहा कि एक लड़की है जिसे मैं चाहता था और वो मुझसे शादी करने से इनकार करी। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चली चलो, उसने जब जाने से मना किया तो आज मैंने उसे चाकू मार दिया है। इस सूचना पर तुरंत एसओ ननहरा उसे लेके मौके पर गए और उस लड़की को ले आए, यहाँ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। जब यहाँ लाई गई तो डॉक्टर ने बता दिया कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। उस लड़के से पूछताछ की गई, उसने अपना नाम अभिषेक यादव और कई नार गांव बताया, और ये भी बताया कि मैं इस लड़की को 4 साल से चाहता था, इससे बातचीत करता था शादी के लिए, मैंने कई बार इससे कहा, इसने कहा कि नहीं मेरे घर में बात मत करो, मेरे भाई और मेरे पिताजी तैयार नहीं होंगे शादी के लिए। इसने लड़की को कहा भी कि तुम मेरे साथ भाग चलो, लड़की ने मना किया, तब इसने आज उसे बुला करके खेतों में चाकू मार दिया और इस तरह से इसकी डेथ हो गई। अभियुक्त पकड़ा जा चुका है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।